फर्ज कीजिए हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं ए प्लस बी, और ये रिएक्शन कर रहे हैं जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। सी और डी इनके प्रोडक्ट्स हैं जो आपस में रिएक्शन करने के बाद ए और बी में भी तब्दील हो रहे हैं, यानी कि बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों तरह का रिएक्शन है ये। और ये इनमें एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है ए बी सी और डी में, तो इनका कोई ना कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी है यकीनी तौर पर। तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर है, और इसका जरूर मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि सबकी कंसंट्रेशंस बराबर हों, वो बहुत एक दूसरे से अलग अलग मुख्तलिफ हो सकती हैं, और ये बात हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बार बार बताई है। तो अब क्या होगा अगर मैं इसमें ए के कुछ और मॉलिक्यूल्स, कुछ और मोल्स शामिल कर दूं, यानी ए की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं। तो ये तो इक्विलिब्रियम में था, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि ए का रिएक्शन बढ़ जाएगा, या ए की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से इसके रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो वो बी के साथ ज़्यादा रिएक्शन करेगा, ज़्यादा रिएक्ट करेगा, और हमारे पास ए बढ़ाने के नतीजे में बी ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, लिहाजा बी की कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, और उसके नतीजे में सी और डी जो कि इसमें यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो क्वांटिटी है या कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, बी ज़्यादा कंज्यूम होने लगेगा, क्योंकि ये आपस में ज़्यादा कोलाइड करेंगे, ज़्यादा टकराएंगे और रिएक्शन ज़्यादा करेंगे। तो सी और डी की जाहिर बात है कि कंसंट्रेशंस बढ़ जाएंगी, और आखिरकार ये होगा कि ये रिएक्शन भी एक नई इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। और समझने वाली बात यह है कि ए को बढ़ाने से हमारे पास बी की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, या बी हमारे पास कम हो जाएगा, और फिर हमें एक नया इक्विलिब्रियम हासिल होगा। अब अगर मैं ये करूं कि मैं बी की कंसंट्रेशन भी बढ़ा दूं, यानी मैंने थोड़ा सा इसमें बी और शामिल कर दिया, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हमारे पास सी और डी का जो कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ जाएगा। आप सोचोगे कोई बहुत अजीबोगरीब बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसको स्ट्रेस, केमिकल स्ट्रेस के सूरत में समझने की कोशिश करें, तो ए और बी को बढ़ाकर मैंने एक इक्विलिब्रियम स्टेट में स्ट्रेस डाल दिया, स्ट्रेस पैदा कर दिया, और ये कुदरती तौर पर ये रिएक्शन जो है ये उस स्ट्रेस को रिलीज करने की कोशिश करेगा। और अगर मैं सी और डी की साइड पर ऐसा करूंगा तो फिर ये रिवर्स डायरेक्शन में ऐसा हो जाएगा। अब मैं इस इक्वेशन को दोबारा से एक अलग कलर में लिख रहा हूँ, ए प्लस बी, और ये बन रहा है सी प्लस डी। तो अब अगर मैं सी और डी में से मैंने सी को बढ़ा दिया तो क्या होगा? तो ये होगा कि ए और बी की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जबकि डी का कंजम्पशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लिहाजा डी की कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, और रिवर्स डायरेक्शन में ये जो रिएक्शन है ये बढ़ जाएगा, और हमारे पास ए और बी ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ है, ये इसका एक नाम है, ये एक सूत्र का जिसको हम ली शैटलिएज प्रिंसिपल कहते हैं, ली शैटलिएज, ये फ्रेंच नाम है, और ये हमारे यहाँ आमतौर पर उसको ली चैटलियर कहा जाता है, आप स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। ये ली शैटलिएज प्रिंसिपल कहलाता है, जो एक फ्रेंच केमिस्ट ने ये सब पेश किया था प्रिंसिपल। तो उसका कहना ये था कि जब आप कोई इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है रिएक्शन, और आपको स्ट्रेस डालते हैं, ये जी हाँ, ये जरूरी नहीं कि स्ट्रेस आपकी बॉडी पर हो या किसी फिजिकल फॉर्म में हो, ये जो स्ट्रेस जो है इस पूरे कॉन्सेप्ट में वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि कोई भी रिएक्शन अपना स्ट्रेस रिलीज करने की कोशिश करता है, जिस डायरेक्शन में भी, जिस तरफ भी हम स्ट्रेस डालेंगे उसके अपोजिट ये जो है अपने रिएक्शन को बैलेंस करेगा। मसलन मेरे पास ए और बी हैं, और इस सिस्टम में मैंने कुछ हीट मैं इसे दे रहा हूं, और उसके नतीजे में मेरे पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो कि सी डी और एक और तीसरा बन रहा है जो कि है ई। तो हो सकता है कि इसमें कुछ हीट भी कंज्यूम हो रही हो। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इस सिस्टम में हीट एक्स्ट्रा डाल दी, तो क्या हुआ, ए और बी को हीट ज्यादा देने की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये बढ़ जाएगा। तो
ली चैटलियर्स या ली शैटलियर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि हीट शामिल करने की वजह से ये रिएक्शन उस डायरेक्शन को फेवर करेगा जिस डायरेक्शन में वो स्ट्रेस रिलीज हो रहा होगा, यानी कि हीट अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये रिएक्शन नई इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने के लिए अपने आप को इस तरह से रीएडजस्ट करेगा। नतीजा क्या होगा कि ए और बी की कंसंट्रेशंस कम होंगी और सी और डी और ई ये इनके प्रोडक्ट्स जो हैं ये ज़्यादा हो जाएंगी। अगर मैं सब कुछ इसके बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में करूँ, यानी मैं क्या करूँ, मैं ये करूँ कि मैं इस सिस्टम में से जो केमिकल इक्वेशन जिसमें के हो रही है, ये केमिकल रिएक्शन जिसमें हो रहा है, अगर मैं इसमें से हीट निकाल लूँ, यानी कि हीट को मैं कम कर दूँ, हीट को मैं निकाल रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ, निकाल बाहर कर रहा हूँ, तो फिर ये रिएक्शन उस डायरेक्शन को फेवर करेगा जिस डायरेक्शन में ये अपना हीट बैलेंस दोबारा हासिल कर लेगा नए इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के लिए, हीट को बढ़ाएगा। तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये होगा कि मेरे पास सी डी और ई की जो कंसंट्रेशन हैं वो कम होंगी, लिहाजा ये रिवर्स डायरेक्शन में ये ज़्यादा होगा, यानी स्ट्रेसर जो है, या यूं कहिए कि वो स्ट्रेसर जो है वो अपना असर जायल करने की कोशिश करेगा, ये रिएक्शन स्ट्रेसर को जायल करने की कोशिश करेगा। अब मैं हेबर प्रोसेस पे आ रहा हूं जिसमें कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के तीन मोल्स आपस में मिलके अमोनिया बनाते हैं। ये हम पहले भी वीडियोस में इसको देख चुके हैं, अब हम दोबारा इसी एग्जाम्पल पर काम कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैंने ये किया कि मैंने इस सिस्टम पर प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर मैंने इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। तो इस सूरत में मेरे पास क्या होगा, अब यह होगा कि जो कुछ भी यहां पर है उस पर दबाव बढ़ जाएगा, यानी कि वो स्क्वीज हो जाएगा, वो ज्यादा सुकड़ने लगेगा, कोई कुव्वत इसके ऊपर आ जाएगी जो इसको दबा रही होगी, भींच रही होगी, इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब ज्यादा रखने की कोशिश कर रही होगी। लेकिन इस प्रेशर का असर कैसे जायल किया जाएगा, ये बात भी ली शैटलियर्स प्रिंसिपल हमें बताता है। अगर आप याद कीजिए गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, उसमें पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में, तो उसमें प्रेशर जो था वो था एन आर टी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वी। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये इसको कुछ ना कुछ रिलीज करने की कोशिश करेगा। अब ये जो स्ट्रेसर, यानी कि जो प्रेशर मेरे पास है, इसको ये रिलीव करने की या इसको इसका असर खत्म करने की या जायल करने की कोशिश किस तरह से करेगा, तो इसको समझने के लिए मैं ये क्या करेगा कि ये नंबर ऑफ मोल्स को कम करेगा या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कम करने की कोशिश करेगा ताकि प्रेशर का असर जो है वो कम से कम हो जाए। सॉरी मैं गलत कर गया, ये मैं इसको मिटा के मैं इसको दोबारा से करने, फर्ज कीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, ओह सॉरी सॉरी ये भी गलत हो गया। चलिए ये मेरे पास एक कंटेनर है, बल्कि ये मेरे पास, ये मैं एक जैसे दो कंटेनर्स बना रहा हूं। एक कंटेनर में फर्ज कीजिए मेरे पास एक दो तीन चार मॉलिक्यूल्स हैं, वॉल्यूम सेम है, सही, ये इसमें मेरे पास चार मॉलिक्यूल है। और दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ कि इनमें से दो आपस में मर्ज होकर, ये आपस में मर्ज होकर दो मॉलिक्यूल्स चार्ज हैं वो दो में तब्दील हो गए। और ये फर्ज कीजिए कि ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ये एक जो है ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, इसको हेबर प्रोसेस से को रिलेट करने के लिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो अगर मैं प्रेशर लगा रहा हूं, मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं इस रिएक्शन पर, अब जाहिर बात है कि प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होती है हर डायरेक्शन से, तो उसका असर जायल करने के लिए क्या होगा कि ये सिस्टम उस प्रेशर के असर को जायल करने के लिए अपने आप को उस कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा जब इसके पास मॉलिक्यूल्स कम से कम हो, यानी यहां पर मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं अमोनिया के। तो नतीजा क्या निकला, नतीजा ये निकला कि ये जो सिस्टम है इसने अपने प्रेशर का या बढ़ाए हुए प्रेशर का असर जायल करने के लिए इसने अपने आप को इस तरह से रीएडजस्ट किया कि उस प्रेशर का असर कम हो जाए। यानी इस सूरत में अमोनिया गैस के बनने की जो रेट है वो
बढ़ जाएगा, या हम ये कहेंगे कि ये अगर हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन मान लें तो ये 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन जो है ये आपस में मिलकर और ज्यादा अमोनिया बनाएंगे। तो इस पूरे प्रेजेंटेशन का या पूरी वीडियो का आइडिया हम जो पिछली 2-3 वीडियो से डिस्कस करते आ रहे हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनेमिक इक्विलिब्रियम या काइनेटिक इक्विलिब्रियम किसी भी इक्वेशन का, जिसमें कि इक्वेशन ये कांस्टेंट हमारे पास होता है, अब उस वो किस तरह से अपने आप को तब्दील करता है या किस तरह से अपने आप को रीएडजस्ट करता है। ये एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ जिसमें कि कोई ए के 2 मॉलिक्यूल्स हैं या 2 मोल्स हैं, बी के का 1 है और सी भी का भी 1 बन रहा है। तो इब्तिदा में मैंने शुरू में जब मैंने ये एग्जाम्पल इस काम शुरू किया तो उस वक्त मेरे पास ए की जो मोलैरिटी थी वो 2m थी, बी की 6m थी, यानी इसका कंसंट्रेशन जो था वो 6 मोल था, जबकि सी जो था वो मेरे पास 8 मोल था। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका होगा प्रोडक्ट, यहां पर मेरे पास सी है जिसके 8 मोल्स हैं मेरे पास, और यहां पर पहला रिएक्टेंट मेरे पास ए जिसकी के कोफिशियंट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट 2 है, 2^6, तो 8 4 6 4 = 24, तो ये हो 1/3। तो अगर मैं यहां पर ए का कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ा दूं, यानी मैं ए की मोलैरिटी में इजाफा कर दूं, तो ए का जो नया कंसंट्रेशन फर्ज कीजिए मैंने कर दिया 3m, यानी कि इसको इसकी मोलैरिटी मैंने 3 कर दी, तो हो सकता है कि मैंने कम या ज्यादा ऐड किया हो, लेकिन क्योंकि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है तो मुसलसल वो चीज रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में भी बदल रहा होगा, तो हो सकता है कि मैंने ज्यादा शामिल किया हो, लेकिन जो बचा हुआ है जो कि इस वक्त मेरे पास इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में या इस कैफियत में मेरे पास होगा वो 3 मोलर, यानी कि मोलैरिटी इसकी 3 होगी। तो फिर क्या होगा, मैंने एक 3m इस वक्त मेरे पास इसकी आ गई है और C की इसके नतीजे में तब्दील होकर मोलैरिटी जो है वो 12 पर चली गई है। सवाल ये कि फिर B के साथ क्या होगा, और जाहिर बात है कि C की कंसंट्रेशन बढ़ेगी क्योंकि वो प्रोडक्ट है, रिएक्शन ज्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ेगा और ए और बी का रिएक्शन भी आपस में इसका रेट बढ़ेगा। तो अब हमें यह देखना है कि बी की कंसंट्रेशन के साथ क्या होगा, जबकि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये वही रहेगा क्योंकि कंडीशंस प्रेशर की वही है। तो कंसंट्रेशन इनकी मैं लिख रहा हूं, ये 12, ये इसकी प्रोडक्ट की 12 हो गई थी जो कि मैंने पहले ली हुई है, डिवाइडेड बाय ए पहले 2 था, अब इसको मैंने 3 कर दिया है, तो अब ये 3^2 हो गया इसके कोफिशियंट के हिसाब से, और मुझे मालूम करना है बी जो कि अभी मेरे लिए अननोन है, तो ये होगा 1/3 डिवाइड इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 9 कंसेंट्रेशन ऑफ बी। अब मैं इसको वही क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के नतीजे में होगा 9b इज इक्वल टू 12 × 3 यानी कि 36, और b डिवाइडेड बाय सॉरी 36 डिवाइडेड बाय 4 ये हो जाएगा 9 × 36 यानी कि 4, यानी कि b की जो मोलैरिटी है वो 4 हो जाएगी। यहां पर देखिए आपके पास 6 थी शुरू में लेकिन वो कम होकर 4 हो गई, यानी कि 2 मोलर, 2 के हिसाब से इसकी मोलैरिटी जो है वो कम हो गई, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये इस रिएक्शन को फेवर करेगा, और आखिरकार ये दोबारा से स्टेबलाइज जब होगा तो ये इस तरह से स्टेबलाइज होगा नए इक्विलिब्रियम की हालत में। तो ये बात आप गौर से समझिए कि हर रिएक्शन में जब हम कोई चीज नई चीज शामिल करते हैं निकालते हैं तो हम उसमें स्ट्रेस डाल रहे होते हैं, और वही स्ट्रेस जो है इस बात का तायुन करता है कि वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में ज्यादा फेवर होगा, और यही ली चैटलिएज प्रिंसिपल।